हेलो गाइस, मैं सूरज राज और आज आपके लिए क्या एक नई वीडियो जो है बी कॉम वालों के लिए सेकंड ईयर जिस हाँ सॉरी बी कॉम जो बी कॉम वाले थर्ड ईयर वाले बी कॉम हैं जो बी कॉम थर्ड ईयर में है उनकी बात करने वाला हूँ। और जो बुक की बात करूँ जिसका देखिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इट इज़ इम्प्लीकेशन इन बिजनेस। देखिए यदि इसका जिसका भी ये पेपर है जिसने अपना सिलेबस यूज कर रखा है आप देख रहे हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वगैरह, तो आप इनमें 2020 में बनने वाले क्वेश्चन की बात करने वाला हूँ। एग्जाम चाहे आपका किसी भी यूनिवर्सिटी से क्यों ना हो, और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इन क्वेश्चनों को याद करके ला सकते हैं 85% प्लस। यदि 85% प्लस लाना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पेपर हैकर को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। तो देखिए मैं आपको यहाँ बता दूँ एक एक क्वेश्चन का सही आपको टिक लगा लेना है अपने दोस्तों अपने बुक पर। यदि आपको बुक से कैश पेपर से नोट से क्वेश्चन बैंक से जिससे भी तैयारी कर रहे हैं तो अपने नोट्स पर यहाँ टिक लगा लीजिए। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इट इज़ इन एप्लीकेशन इन बिजनेस के जो बुक है उस पर आपको टिक लगा लेना है। बी कॉम थर्ड ईयर वालों की बात कर रहा हूँ, तो चलते हैं पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। जी हाँ, यहाँ बात करने वाली है। देखिए यहाँ कह रहा है सूचना तकनीकी, देखिए जो सूचना तकनीकी है टेक्नोलॉजी है, सूचना पहुँचाने की जो टेक्नोलॉजी है उसका क्या अर्थ होता है आपको यहाँ समझा देना है, साथ में उनके उपयोग और विषयों के बारे में भी आपको बताना पड़ेगा। ये आपको पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। साथ ही साथ दूसरा क्वेश्चन जो आपको याद करना है वो है देखिए बेतार, आप तो जानते हैं बेतार, ठीक है ना, बेतार को देख लेना है। और जो सैटेलाइट बेतार मतलब कि बेतार भी नाम से जाना जाता है सैटेलाइट को, मतलब कुछ पे कोई सैटेलाइट पर कोई तार थोड़े लगा हुआ है बिजली पहुंचाने के लिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। यहाँ कह रहा है बेतार या सैटेलाइट जो होती है, ठीक है ना, तथा सैटेलाइट जो कम्युनिकेशन है वो क्या होता है, उसकी उपयोगिता क्या होती है आपको बता देना है। साथ ही साथ यदि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ बात करूँ तो सूचना जो क्रांति क्या है वो आपको बता देना है, सूचना क्रांति क्या होती है उसका आपको व्याख्या कर देनी है मैं। और यहाँ दूसरे क्वेश्चन की ओर चलता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन तो यहाँ देखिए कंप्यूटर क्या होता है वो आपको देख लेना है, उनके भागों को देख लेना है, सीयूपी क्या होती है, मेमोरी क्या, इनपुट आउटपुट और डिवाइस क्या होती है वो आपको सारी की सारी देख लेनी है। साथ ही साथ आपको देखिए आपको एक लॉजिक जो गेट होते हैं आप जानते हैं लॉजिक गेट क्या होता है, और साथ ही साथ आपको देखना है तो टेपलेट सहित आपको जो समझाना पड़ेगा, ठीक है ना, टू टेपलेट क्या होती है वो देख लेना। और यहाँ देखिए डाटा और सूचना से आप क्या समझते हैं ये आपको देखना पड़ेगा, और डाटा जो हिस्टोलॉजी होती है वो क्या होती है वो आपको देखना है, ठीक ना। साथ ही साथ आपको मैं बता दूं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आप जानते होंगे, यदि आप कंप्यूटर खेल खोला होगा तो माइक्रोसॉफ्ट जानते हो, एक सॉफ्टवेयर होता है 2017 2016 इस प्रकार का होता है माइक्रोसॉफ्टवेयर, जिसमें माइक्रो जो टाइपिंग की जाती है वो माइक्रोसॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर में की जाती है। तो यहाँ कह रहा है मेल दर्ज सुविधा की व्याख्या आपको बतानी पड़ेगी, जो जो मेल हम दर्ज करते हैं उसमें जो लिखते हैं उसकी सुविधा क्या है, ठीक है ना, जो मेल मर्ज थोड़ी मेल मर्ज कहते हैं, ठीक है ना, मेल मर्ज कि सुविधा क्या है, ईमेल नहीं कह रहा है, मेल मर्ज, ठीक है, वो बताना है। साथ ही साथ आपको वर्ड प्रोसेसिंग क्या होती है वो आपको देख लेना है, वर्ड प्रोसेसिंग। उसके बाद में आपको जो कम्युनिटी जो तैयार करने के लेखक जो होते हैं, लेखन होता है, कम्युनिटी तैयार करते हैं, ठीक है ना, तो कमेंट तैयार करते हैं, जो कमेंट तैयार करते हैं उनका जो लेखन किस प्रकार से होता है वो देख लेना है। और फॉर्मेटिंग जो फॉर्मेटिंग करते हैं, जो फॉर्मेटिंग करते हैं उसको जो पेंटिंग में इसके योगदान को आपको समझाना पड़ेगा, साथ ही उनको उपयोग को भी बताना पड़ेगा। ये क्वेश्चन आपको देखना है, मतलब देखिए आपको जो हार्ड प्रोसेसिंग है वो क्या होता है, कमेंट जो आप जानते हैं कमेंट करते हैं, कमेंट तैयार करने के लेखन में क्या होता है, उसके बाद में फॉर्मेटिंग आ जाती है, फॉर्मेटिंग क्या होती है वो देख लेना है, तथा उनके जो प्रिंटिंग में इनके योगदान को समझाना है, उनके उपयोगों को समझाना है, ये देखना पड़ेगा। साथ ही साथ यदि नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ तो बोला है EDI, जी हाँ EDI क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटेलिजेंस कहा जाता है EDI को, और इसके अभिप्राय क्या है वो देखना पड़ेगा, और व्यवहार से आप क्या समझते हैं, ठीक है ना। साथ ही साथ आवश्यकता और उनके उपयोगों को बताना पड़ेगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं। साथ ही साथ यहाँ देखिए EDI का व्यापार की सूचना की आवश्यकता और जो पूर्ति है उनका योगदान क्या रहा है वो बता देना है, और इंटरनेट क्या है WWW वेबसाइट को समझाइए, और उनके लाभ और सूचना क्रांति में इनका योगदान क्या रहा है वो आपको बता देना है। साथ ही साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ तो आपको देखिए DNS जानते हैं, तो आपको DNS जो डिवाइन नेम सिस्टम कहा जाता है वो आपको देख लेना, उससे आप क्या समझते हैं, उनकी व्याख्या कर देनी है, सूचना प्रणाली का नियंत्रण करने को समझाना पड़ेगा। सूचना प्रणाली जो होती है प्रणाली कहा जाता है, उसको नियंत्रण किस प्रकार से करेंगे, होत करते हुए सूचना प्रणाली के लिए नियंत्रण और लेखा परीक्षा आवश्यकता हो आवश्यकताओं को वो समझाना पड़ेगा। साथ ही साथ इंटरनेट के जो प्रयोग हैं ठीक है, प्रयोग करने वाले जो प्रोटोकॉल होते हैं, जैसे हम FTP भी कहा जाता है, FTP ठीक है, टेलनेट है, और
HTTP जो समझा था, HTTP का मतलब होता है, जो आप जानते होंगे, HTTP कनेक्शन दे दिया, मतलब कि जो फाइबर डाला जाता है, एक HTTP कनेक्शन होता है, ठीक है ना। ये सारे के सारे इंटरनेट के प्रयोग करने वाले जो FTP होता है, टेलनेट होता है, ये क्या होते हैं, ये सारे एक्चुअली इसके थ्रू नेट आपको प्रोसेसिंग कराई जाती है, नेट कनेक्शन दिया जाता है। साथ ही साथ यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, रेडियो टेक्नोलॉजी क्या होती है वो आपको देखना पड़ेगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। साथ ही साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ बात की जा रही है सूचना तकनीकी की, जो बिजनेस के विभिन्न क्षेत्रों का उपयोग क्या है वो आपको बता देना है। सूचना तकनीकी के जो, देखिए सूचना तकनीकी जो जिसे कहा जाता है बुक प्रे जो प्रिंटिंग है, ठीक है ना, या कम्युनिटी कहा जाता है, तैयार करने वाले जो उपयोग क्या रहता है इनका वो बता देना है। साथ ही साथ यहाँ तक इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण क्या होते हैं वो आपको बता देना है, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट कहा जाता है वो देख लेना है। देखिए निम्नलिखित को हल करना पड़ेगा, यहाँ देखिए दे रखा है 213 की नीचे 10 है, तो यहाँ कितना होगा, फिर 10 की घात कितना होगा, ये आपको सब कुछ यहाँ बताना पड़ेगा। साथ ही साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ तो ये आपको बता देना है EDP क्या होती है, उनका प्रयोग क्या होता है, साथ में डाटाबेस, जी हाँ डाटाबेस में जो मैनेजमेंट सिस्टम होता है जिसे हम DBSM कहा जाता है, डाटा मैनेजमेंट सिस्टम कहा जाता है, उसको हमको समझाना पड़ेगा, उनको उपयोग के बारे में बताना पड़ेगा। और यहाँ भी एक और भी क्वेश्चन की बात करूँ तो इलेक्ट्रॉनिक जो स्प्रेडशीट होता है वो क्या होता है, तो आपको इस स्प्रेडशीट मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट कहा जाता है उसको देख लेना है। अकाउंटिंग क्या होती है, जिसे अकाउंटिंग भी कहा जाता है, फाइनेंस क्या होता है वो आपको बता देना है, फाइनेंस कराते हैं कहते हैं ना फाइनेंस अकाउंटिंग। और साथ में जो फंक्शन होता है मार्केटिंग फंक्शन होता है वो आपको व्यापार में उपयोग को समझाना पड़ेगा, उनके क्या क्या उपयोग रहे हैं। और साथ ही साथ आपको देखिए EDI के लाभ क्या है, ऊपर जो क्वेश्चन दे चुका हूँ, और EDI जो आपको होता है एडवांस रिजल्ट, ठीक है ना, वो आपको देख लेना है। एडवांस फ्यूचर्स होते हैं, एडवांस फ्यूचर वो आपको देख लेना है कि लाभ क्या है इवेंट के, एडवांस फ्यूचर क्या है, एडवांस फ्यूचर को देख लेना है। एक्चुअल हमें EDI से क्या क्या लाभ होते हैं, उनके क्या क्या फ्यूचर हो सकते हैं। और साथ ही साथ आपको देखिए DNS जो हम डोमेन सिस्टम कहा रखा, उनके उपयोग को मैं पीछे अगले भी ऊपर भी दे चुका हूँ, तो ज़रूरी नहीं होता यहाँ क्वेश्चन इन दोनों क्वेश्चन को याद करना, क्योंकि ये क्वेश्चन लॉन्ग में हम दे चुके हैं। साथ ही साथ देखिए IP एड्रेस क्या होता है, आप जानते हैं IP एड्रेस, याद को देखो आपको पता होगा IP एड्रेस होता है वो 1.6 इस प्रकार 89 आपको पॉइंटों में दिया होता है। आपको देखा होगा कभी भी वाईफाई जब कनेक्शन करते हैं, कभी रेलवे कहीं भी आपने वाईफाई कनेक्शन किया होगा वाईफाई, तो वहाँ एक IP एड्रेस आता है, IP एड्रेस का तो है तो ही आप उसको नेट चला सकते हैं, तो ये एक IP एड्रेस हो उसको उपयोगिता बारे में आपको बता देना है। साथ ही साथ यहाँ का जोखिम प्रबंधित जो पद्धति होती है वो क्या होती है, और यहाँ देखिए आंतरिक व्यवहार जो व्यवस्था लेखा प्रक्रिया है वो आपको बताना पड़ेगा, और यहाँ देखिए आंतरिक लेखा परीक्षा के सरणी की व्याख्या बतानी पड़ेगी। सारी एक ही क्वेश्चन के अंतर्गत आ जाते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, तो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पेपर हैकर को सब्सक्राइब करेंगे। और लास्ट जो क्वेश्चन है वो आपको याद करना पड़ेगा वो है देखिए डिस्ट्रीब्यूटिंग जो कंप्यूटर जो कम्युनिटी होती है, डिस्ट्रीब्यूटिंग कम्युनिटी होती है वो आपको लाभ क्या होते हैं, उनके यूज़ क्या होते हैं, बस इतना आपको देखना है और बाकी कुछ भी नहीं देखना। और हमारी आपको वीडियो पसंद आती हो तो लाइक कर देना, और पेपर हो जाए और आपका सारे के सारे यहाँ से क्वेश्चन आ जाए तो कॉमेंट में ज़रूर बता देना कि सर आपने जो कहा वो सारा का सारा है। और यदि आप पेपर होते हैं मुझे मेरे डेस्क इस एक्चुअली व्हाट्सअप नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ मुझे उस पेपर का PDF को भेज देना या फिर फोटो खींच के भेज देना, जैसे मैं आपको बता सकूं कि कितने इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन दिए वो सारे के सारे आए या नहीं, तो मैं कंपेयर करके 100% आपको दिखा सकूं। तो मेरा यूट्यूब चैनल पेपर हैकर आपके लिए हमेशा एक अच्छा भविष्य की ओर लेके जाएगा, तो अभी हमारे चैनल पेपर हैकर को सब्सक्राइब करिए। और आपका दोस्त BSc हाई स्कूल इंटर BA BSc BCOM में भी है, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो देते हैं हम आपके लिए, उन्हें भी एक्चुअली थोड़ा एडवाइस दीजिए, और उन्हें हमारे यूट्यूब चैनल पेपर हैकर के बारे में बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। गुड बाय।